विश्वास पर खरा भी उतरेंगे, जनता पूरी लाइव देख रही है, बताइए कैसे गलत है। हम यही चाहेंगे मंत्री से ये इसका इंक्वायरी करा ले जाए, वहाँ पुल वहाँ जरूरी है, एक पुल जो बचा हुआ है जिसके बारे में दिया जा रहा है कि वहाँ पुल है वो भी ध्वस्त हो चुका है, बरसात में तो ऑटोमेटिक दो वो पुल बंद हो जाएगा तो लोग कैसे इस पार उस पार होगा। जो हम पुल का मांग किया है वह आपके कपूर पकड़ी पंचायत से सिमरा पंचायत का दलित टोला को जोड़ता है सर, इसलिए उसमें पुल जरूरी है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी पूरी समीक्षा की है महोदय, इसमें जो है आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में दोनों तरफ में 1 किलोमीटर दूरी पे पुल अवस्थित है पूर्व से महोदय, अगर पुल ध्वस्त हो गया जैसा माननीय सदस्य का कहना है उसको हम दिखवा लेते हैं, लेकिन अभी इस पुल का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय। अध्यक्ष जी इसका उद्देश्य इंक्वायरी करा ले मंत्री जी की, वह पुल ध्वस्त होने वाला है कि नहीं, जब वो पुल ध्वस्त हो जाएगा तो वो सारे चिरैया प्रखंड की आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसको देखवा ले कि हम बात बोल रहे हैं सही है कि गलत, वो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर देखवा लेंगे, वो बोले हैं कि देखवा लेंगे, उसके बावजूद भी वो पुल ध्वस्त हो चुका, उसका फोटो मंगा देते हैं। अभी ध्वस्त नहीं ना हुआ है, नहीं हो गया है, बीच में टूट गया है, आप जांच करवा लीजिए, बीच में टूटा हुआ है। ठीक, हाँ रिपोर्ट जो आया है उसके बारे में अगर हम लोग गलत साबित कर देंगे तो मंत्री जी उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ड्राइंग भी मंगवाया है उस पुल का दोनों तरफ जो पुल है उसका ड्राइंग मंगवाया है महोदय, और एकल संप्रदा में ही पुल अभी दिया जाना है या रोड दिया जाना है महोदय, अगर कोई अगर ऐसा गलत जवाब दिया है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे महोदय, कार्रवाई करेंगे, कहाँ करेंगे महोदय, साबित हम कहाँ करेंगे, हम तो साबित कहा जा रहा कि सारा सवाल का जवाब ही गलत दे रही है सरकार। नहीं नहीं आप 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 देखिए, आप हमारे विधायक सत्ताधारी दल के भी विधायक इस बात से नहीं मानिए, बैठ जाइए मानिए चाहेंगे संरक्षण, मानिए सदस्य आज एक एक बजे अध्यक्ष, हम चाहेंगे कि अगर सदन को जो गुमराह कर रहा है अधिकारी उस पे मापदंड तय होना चाहिए, उसका सजा तय होना चाहिए, और सजा मंत्रालय नहीं बल्कि आप महोदय आपके संरक्षण में सदन को लोग को तय करना चाहिए कि उसको सजा क्या मिलेगी। ये आपने दलीय नेताओं की बैठक में रखा भी है, संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे, इनका भी सहमति था, वो अलग से दलीय नेताओं की बैठक करके उसमें ये सारे विषय पर विचार कर ली जाएगी। नैतिक संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, अब सदन की मांग पर इसीलिए अभ्यावेदन और प्रोटोकॉल समिति बनी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय आपने बिल्कुल सही कहा कि दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बिंदु पर विमर्श हुआ था, और ये एक स्थापित परंपरा भी है, और यही संसदीय जनतंत्र को सुरक्षित और संरक्षित भी करता है कि अगर कोई पदाधिकारी गलत जवाब देके माननीय मंत्री के माध्यम से सदन को गुमराह करता है या इसकी कोशिश करता है और यह साबित हो जाता है कि उसने गलत जवाब दिया है तो उसके विरुद्ध सरकार के द्वारा निश्चित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज हम और अनुरोध करना चाहते हैं कि जब सरकार ने कह दिया कि गलत साबित होने पर कार्रवाई करेंगे तब ये पूछना कि कार्रवाई कब तक करेंगे, अरे गलत साबित हो जाएगा तो कार्रवाई निश्चित करेंगे। अभी प्रश्न घूम रहा है, मंत्री जी ने बात को कही, हम इसलिए कहना चाहते कि वही अधिकारी मंत्री को बेवकूफ बना रहा है और सदन में झूठा जवाब पड़वा रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई पूछेंगे ही मंत्री जी के भाई सजग रहिए चौकन्ने रहिए, और अब झूठ शब्द असंसदीय है वो नहीं, असदीय असंसदीय शब्द नहीं जाएगा। माननीय नंद किशोर यादव जी, महोदय नेता प्रतिपक्ष जिम्मेवार व्यक्ति हैं, शब्दों का चयन ऐसा नहीं करें, कोई सरकार बेवकूफ नहीं होती, कोई सरकार बेवकूफ नहीं होती महोदय, और ये
आपका निर्देश होगा हम झूठ बोलेंगे तो यह सत्य लिख ही ना देंगे लोग। और हाँ उत्तर शब्द का चल ठीक सवाल इसका नहीं महोदय, मेरा आग्रह केवल इतना ही है, मेरा आग्रह केवल इतना ही है, सरकार इतनी स्पष्टता से जवाब दे रही है तो बाकी सदस्यों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, सब बाकी के लिए प्रश्न आने दीजिए। अब आपने सर दास का जगह नहीं है और कैसे जवाब देती है, देखिए आप भी मंत्री रहे हैं, आप भी मंत्री रहे, आज 100% प्रश्नों का जवाब सरकार दे रही है, इसके पहले देख लीजिए सरकार की सजगता है कि विधायक अगर जो संवेदनशील है तो सरकार भी सजग है, 100% प्रश्नों का जवाब आ रहा है, उस जवाब में गलत है तो दलीय नेताओं की बैठक में जो दंड का प्रावधान है वो लोग मिलकर तय करेंगे ताकि कोई पदाधिकारी सदन को गुमराह न कर सके। आप न एक चीज बता दे, एक चीज बैठ जाइए एक चीज आज अब आपस में नहीं ये बताइए, आज मैंने प्रथम दिन ही खुल के कहा था कि जिनके प्रश्नों का जवाब गलत है वो आवेदन दें, विभाग में हम भेजेंगे, माननीय मंत्री जी जांच कराकर उस पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लेकर उसको आपको अवगत भी कराएंगे और फिर उस प्रश्न पर एक्शन भी होगा। अभी तक मैं बता दूं सदन को कि मुश्किल से 12-14 प्रश्न का ही हमको आया है आवेदन कि गलत है, और एक परंपरा ना बनाइए क्योंकि मंत्री और सरकार जितनी जिम्मेदार है उतना ही सरकार के आप अंग हैं, सभी सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने विधानसभा में, आपको भी अपने प्रश्न का जवाब पर पूरी जानकारी प्राप्त कर करके आप पूरी सजगता के साथ बताना होगा सरकार को कि ये जैसे अभी कहा कि ये नहीं बना और अगला किसने कह दिया कि बन गया, ये पूर्णतः गलत है, जांच करवा लेगा, अगर जो ऐसा जवाब है तो कार्रवाई होगी, दंड का क्या प्रावधान होगा, ये जो भेद है इस भेद को दलीय नेताओं की बैठक में क्लियर करेगा कि पत्र का जवाब नहीं देना, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना, गलत जवाब सदन को देके गुमराह करना, क्या सजा होगी ताकि विधायिका मजबूत हो सके। हर हाल में विधायिका को मजबूत करना हम सबों की जिम्मेवारी है और सरकार इसमें सहयोग के लिए तत्पर है। हाँ कि 12 जो है आपको आवेदन मिले हैं तो हम चाहेंगे उस 12 आवेदन पे क्या कार्रवाई की गई, क्या दंड दिया गया, क्योंकि एक झूठ भी अगर कोई सदन में बोलता है तो बहुत है, पूरे बिहार को गुमराह कर रहा है। आप फिर झूठ बोले, बदलिए, असत्य असत्य बोलिए, हाँ असत्य। चलिए श्री नरेंद्र नारायण यादव, अब चलिए श्री नरेंद्र नारायण यादव, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अपना अनुभव को दलीय नेता की बैठक में शेयर करिएगा, आप भी अपना अनुभव बहुत सारे ग्रहण के लिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय इस जिस प्रश्न का सवाल अभी उठ रहा है उस प्रश्न में हमने जवाब में दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग का, ये आपका माननीय सदस्य नरेंद्र नारायण यादव पथ निर्माण विभाग का है, नहीं सर लाल बाबू गुप्ता का जो सवाल हो गया वो विषय पर बैठ जाइए ना, हो गया आप जांच करवा लीजिए उस विषय पर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।